हाय गाइस, एक बार फिर से वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल किंग्स प्रोडक्शन में एक नए टॉपिक के साथ। हेलो व्यूवर्स, मैं हूं आपका होस्ट अली और आप देख रहे हैं किंग्स प्रोडक्शन। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं और जिस पिक्चर को हमने एडिट करना है इसे पिकार्ट में ओपन कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टूल्स के ऑप्शन को ओपन करना है और यहाँ पर यूज करना है डिस्पोरेशन को, जो आपको अपर राइट कॉर्नर पर मिल जाती है। इसके अंदर आपको मिल जाती है ब्रश को छोटा बड़ा करने की ऑप्शन और आप इसको अपने सब्जेक्ट के मुताबिक छोटा बड़ा कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का फायदा ये होगा मैं यहाँ पर लेटेस्ट एंड इंटरेस्टिंग एडिटिंग वीडियोस लाता रहता हूँ, आपको मिलती रहेंगी। सिंपली वो एरिया सिलेक्ट कीजिए जिसको आपने ये इमोशन देना है। सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप टिक मार्क पर क्लिक करते हैं तो ये आप देख सकते हैं अमेजिंग इफेक्ट इसमें ऐड हो चुका है। इसकी आप कुछ सेटिंग्स कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप साइज को बढ़ाएं तो इसके पैचेस बड़े बड़े हो जाएंगे, और अगर इसको कम करते हैं तो छोटे छोटे, मुझे जो यहाँ पे है छोटे छोटे रखने हैं ताकि मुझे एक अमेजिंग इमोशन देखने को मिले। उसके बाद इसको कीजिए ओके, और अब आपको ऐड फोटो के बटन पर क्लिक करना है अपनी गैलरी में घुसने के लिए, और यहाँ से आपको उठानी है एक PNG, कलरफुल इमोशन PNG। और भाई ये PNG आपको मिलेगी कहाँ से? हाँ, मेरे पेज से मिल जाएंगी जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहाँ से बहुत सारी PNG डाउनलोड कर सकते हैं। PNG ऐड करने के बाद थोड़ा इसको एडजस्ट करना है और यहाँ पे ब्लेंड के अंदर जाकर आप स्क्रीन इफेक्ट दे देना है ताकि इसका ब्लैक बैकग्राउंड टूट जाए और परफेक्टली ऐड हो जाए। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ अनवांटेड एरिया है PNG के अंदर। ऊपर आपको रेजर की ऑप्शन नज़र आ रही होगी, वहाँ से आप रेज कर सकते हैं अनवांटेड एरिया को। इरेज करने के बाद इसकी ओपेसिटी को भी थोड़ा सा कम कर लें ताकि पिक्चर के मुताबिक ये बिल्कुल एडजस्ट हो जाए। अब यहाँ आपको एक और PNG ऐड करनी है, स्मोक कलर PNG। इसको ऐड करने के बाद थोड़ा एडजस्ट करेंगे पिक्चर के मुताबिक और इसको भी आप स्क्रीन इफेक्ट देंगे क्योंकि इसका भी ब्लैक बैकग्राउंड है, इसके लिए स्क्रीन इफेक्ट देंगे इसको। अब इस पिक्चर को एक दफ़ा सेव कर लें। सेव करने के बाद वापस आ जाएं उसी पिक्चर पर। इस पिक्चर को मज़ीद थोड़ा एडिट करेंगे। अब इफेक्ट्स के ऑप्शन के अंदर जाएंगे और वहाँ पे आपको ब्लर मिलता है। ब्लर के अंदर आपको मोशन ब्लर की ऑप्शन मिल जाती है और मोशन ब्लर को थोड़ा इंक्रीज करके पिक्चर में ऐड कर दें। और पिक्चर को ये इफेक्ट देने के बाद आपको फिर से सेव करना है और फिर से वापस अपनी पिक्चर पर आना है। ये पिक्चर बिकॉज हम DP बना रहे हैं और DP हमेशा 1x1 होती है, इसलिए हम इसको क्रॉप करेंगे क्योंकि ये 1x1 नहीं है। अब इसको 1x1 क्रॉप करें। क्रॉप करने के बाद में हम अगेन इफेक्ट्स के अंदर जाएंगे और ब्लर की ऑप्शन ओपन करेंगे। यहाँ से आपको गाजियन ब्लर इसको दे देना है, फुल ब्लर कर देना है पिक्चर को। अब ऐड फोटो के जरिए वो पिक्चर ऐड करेंगे जो हमने पहले एडिट की थी, मतलब जिसको हमने इमोशन ब्लर दिया था वो पहले पिक्चर ऐड करेंगे इसमें। उस पिक्चर को ऐड करने के बाद इसको पहले सबसे बॉर्डर लगाते हैं, वाइट बॉर्डर लगा के पिक्चर को सेंटर में एडजस्ट करते हैं लाइक दिस। इस पिक्चर को एडजस्ट करने के बाद हमें वो पिक्चर ऐड करनी है जिसको हमने सबसे पहले सेव किया था, जिसमें कोई भी ब्लर नहीं था। अब इस पिक्चर को ऐड करते ही हमने इसको स्क्रीन इफेक्ट देना ताकि इसका ब्लैक बैकग्राउंड उठ जाए और इसको एडजस्ट कर देना है। याद रखना ये एडिटिंग सिर्फ ब्लैक बैकग्राउंड वाली पिक्चर या वाइट बैकग्राउंड वाली पिक्चर में ही हो सकती है। मोस्टली मेन पर्पज हमारी एडिटिंग का टॉपिक का आज अभी कम्प्लीट हो गया है, लेकिन आगे मैं इसमें टेक्स्ट ऐड करने वाला हूँ, टेक्स्ट के अंदर फोटो ऐड करने वाला हूँ। अगर आपको नहीं आती तो देख लें, अगर आता है तो यहाँ से वीडियो आप स्किप कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको फोन के अंदर फोटो ऐड करके दिखाता हूँ।